मैं हूँ रिशाद बेगम, मैं अनाज की सास। आज मैं आपको बता रही हूँ कि हरी मिर्चों के जो पकौड़े बनते हैं ना, वो बहुत बच्चे शौक से खाते हैं, मैं वो बताने का तरीका बता रही हूँ आपको। ये देखिए, मैंने लिया है 2 चम्मच मैदा, 2 चम्मच बेसन, इसमें मैंने शामिल किया 1 अदद अंडा। ठीक है, इसको हम फेंट लेंगे, इसको फेंटेंगे पहले, ज़रा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। हालांकि बनाई हुई ये हरी मिर्चों के पकोड़े बहुत मशहूर हैं, हम ये स्पेशल हर रमज़ान में बनवाते हैं और मज़े ले लेके खाते हैं। आप भी बनाइए और ज़रूर खाइएगा, बनाएंगे तो खाएंगे ना भाई। अब ये देखिए, ये मैंने इसको मिक्स कर दिया, ठीक हो गया। मिर्चें ऑलरेडी क्योंकि हरी मिर्चों में होती हैं, ज़रूरत नहीं है, और चाट मसाले में खटाई और वो सब कुछ मौजूद होता है, इसलिए इसमें भी कुछ और मज़ीद डालने की ज़रूरत नहीं है। बस अब हमने इसको ये पेस्ट तैयार कर लिया इसका, और ये मैंने हरी मिर्चें ली थी, देखिए ये हरी मिर्चें, ये देखिए मैंने इनको ये छुरी से ऐसे बीच में से ये किया, चॉप किया, और ये देखिए इसमें मैंने भर दिया चाट मसाला। ये अपनी पसंद से भरिएगा, ज़्यादा कम आपकी पसंद पर मुनहसर है। ये मैंने भर के ये रख लिया है। अब इस जो ये मैंने बनाया था इसमें करके ना हम इसको तल लेंगे। बस अच्छी तरह से इसको लगाना है, ठीक, अच्छी तरह लगा के, और ये हमने इसमें ये डाल दिया, इसको सही तरह से अभी भर दिया बेसन, ये इसका मटेरियल, ये और देखें ये इस पर सोसरा नीना है, वरना उतर जाता है बेसन अक्सर, ये नहीं उतरेगा, इस पर चिपकता रहेगा। तो ये मज़ेदार किस्म के पकोड़े, मिर्च वाले पकोड़े तैयार हैं और बहुत टेस्टी हैं, बहुत लाजवाब हैं। ये रेसिपी अपनी इफ्तारी में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।